हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों का एक बार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बार्क ऑफ इन्फोटेक में। दोस्तों, एक्चुअली आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग जो पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। वो पूरा लास्ट तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? हम लोग अगर काम के बेस पे अगर कंप्यूटर को बांटे तो तीन कैटेगरी में हम लोग बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग तीन कैटेगरी में कंप्यूटर को बांटा जाता है। पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें डिजिटल और एनालॉग को मिला करके ये कंप्यूटर बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हम लोग अगर आगे का पार्ट देखें इसका, तो कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड बाय देयर स्पीड एंड कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर को पहला तो हम लोग देखें कि काम के बेस पे जो बांटते हैं तीन तीन प्रकार का होता है, लेकिन जो दूसरा होता है कि हम लोग कंप्यूटर को उसके स्पीड और उसका जो कंप्यूटिंग पावर, काम करने का जो ताकत होता है, उसके बेस पे कंप्यूटर को बांटते हैं। तो उसके बेस पे जो कंप्यूटर को बांटा गया है वो पहला है पीसी। पीसी दैट मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। ये पीसी मैंने एक्चुअली जनरेशन का जो पार्ट था मैंने उसमें बताया था, मैं आई वीडियो में डाल दूंगा आप लोगों को कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ था और नहीं हुआ था उसके बारे में। तो पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार का सिंगल यूज़र कंप्यूटर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर के साथ आता है। दूसरा है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन भी सिंगल यूजर पे बेस पे काम करता है, लेकिन वर्क स्टेशन का मत ये कुछ ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है, कुछ ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर के साथ आता है। और ये ज़्यादातर जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के काम करते हैं, एक ऑफिस में वर्क स्टेशन जहाँ होता है, वहाँ पर इस कंप्यूटर को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइप के कंप्यूटर को वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहा जाता है। अगर हम नंबर थ्री में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रखा है मिनी कंप्यूटर को। मिनी कंप्यूटर मतलब क्या है? ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है जिसे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी यूज़र कंप्यूटर भी कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर साथ में 100 यूज़र कम से कम बैठ के एक साथ काम कर सकते हैं एक बार में, तो ये जो कंप्यूटर है ये मिनी कंप्यूटर कहलाता है। दोस्तों, अगर आगे का पार्ट देखें हम लोग तो चार नंबर पे है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आल्सो इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम। ये भी एक साथ बहुत सारे यूज़र यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स सिमल्टेनियसली, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर्स। ये भी सेम मिनी कंप्यूटर की तरह बता रहा है, यहाँ पे होता है 100 लोग एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होता है वो मिनी कंप्यूटर से अलग होता है, डिफरेंट होता है ये, इसलिए इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के कैटेगरी में रखा गया है। और ये लास्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इट इज़ एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये कंप्यूटर अभी तक का सबसे फास्ट कंप्यूटर है जिसको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। और यही सुपर कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं ना, इसी सुपर कंप्यूटर के द्वारा जैसे हम लोग कुछ इन्वायरमेंट को देखना हुआ, भूकंप आया तो उसका तीव्रता चेक करना है, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कितना स्पीड में आ रहा है, ये सारा काम सुपर कंप्यूटर में होता है। तो ये एक्चुअली मैंने शॉर्ट में बताया आप लोगों को पांच कंप्यूटर टाइप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और इसका डिटेल्स भी है बहुत ज़्यादा, इसका अगर डीप में जाएंगे तो बहुत डिटेल्स है इसका, लेकिन मैं उसका डीप आप लोग को नहीं बताऊँगा। बाद में कहीं मौका मिलेगा तो मैं उसके लिए डिस्कस करूँगा इसके बारे में। बट ये मेनली पांच प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। तो धन्यवाद देते हैं दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए।